हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। गूगल शीट में खास क्या है, क्या सीखने वाले हैं, आइए आपको बताता हूं। यहां पर देख सकते हैं ये जो कलरफुल जो एरिया दिख रहा है, इसमें मैंने एक ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है गूगल शीट में, ठीक है। अब ये जो ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है, अगर मैं यहां पर कुछ सर्च करने की कोशिश करता हूँ, लाइक आर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे जैसे ही आर लिखता हूँ तो उससे रिलेटेड नाम नीचे डिस्प्ले होने लगते हैं, देख रहे हैं, ठीक है। और एक्सेल में ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे एस लिखता हूँ तो एस वाले सारे नाम हाईलाइट हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से सर्चेबल ड्रॉपडाउन अगर आपको एक्सेल में बनाना होता है तो आपको बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीजें बहुत आसान है। जैसे सपोज कीजिए कि इस सेलेक्टेड एरिया में आपको बनाना है एक ड्रॉपडाउन, तो इतना पार्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, डाटा टैब में चले जाइए और यहाँ पर जाने के बाद आपको आना है डाटा वैलिडेशन पर। और डाटा वैलिडेशन पे जैसे ही आएंगे तो लिस्ट फ्रॉम रेंज दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ आइटम पे टिक कर दीजिए और यहाँ पर अब नाम लिखते चले जाइए। जिस भी चीज का आपको नाम लिखना हो वो केवल आप लिखते चले जाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने राम, कॉमा श्याम, कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते चले जाएंगे तो ये हो गया श्याम। यहाँ पे लिख देता हूँ राजू, यहाँ पे लिखता हूँ मोहन, फिर यहाँ लिखता हूँ सोहन, यहाँ पे लिखता हूँ रितेश, यहाँ पे लिखता हूँ अवनीश, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे नाम आप लिखते चले जाएंगे और इस तरीके से एक ड्रॉप डाउन बन जाएगा। फिर कॉमा देके लिख देता हूँ यहाँ पे अभिषेक, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से नाम वगैरह हम लिखते चले जाएंगे और यहाँ से जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इस तरह का ड्रॉपडाउन बन गया है। अब यहाँ पर अगर हमें ए से रिलेटेड नाम सर्च करने हैं तो केवल ए लिखिए, ए वाले सारे नाम हाईलाइट हो जाते हैं, जबकि एक्सेल में कहानी अलग हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है, अगर मैं आर सर्च करता हूँ तो देखिए आर वाले सारे लिस्ट रेंज हाईलाइट हो रही है, आर ए अगर लिखता हूँ तो आर ए वाला हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।